चुनावी रंजिश में खूनी संघर्ष, पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों में जलकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। शिवपुरी जिले के बेरार थाना क्षेत्र में पुराने चुनावी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर पथराव भी किया गया। झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही एक दूसरे पर लाठियां भांजते नजर आए, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस झगड़े में दोनों पक्षों से एक दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। बाद में दोनों पक्षों ने थाने पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों पर बलवा सहित मारपीट की धाराओं में क्रॉस केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार भगवान सिंह उर्फ बंटी यादव उम्र 35 वर्ष निवासी सांपरारा का अपने पड़ोसी ब्रजमोहन यादव से सरपंची के चुनाव पर से विवाद चल रहा था। भगवान सिंह यादव के परिवार ने ब्रजमोहन को वोट नहीं दिए थे, जिस कारण वह सरपंची का चुनाव हार गया था। तब से ही ब्रजमोहन और भगवान सिंह यादव के परिवार में विवाद चल रहा था। इसी चुनावी विवाद को लेकर बुधवार की देर शाम दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाई और पथराव किया। इस मारपीट में एक दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए बेराड़ अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों पक्षों के 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बेराड़ थाना प्रभारी TI नवीन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के 32 लोगों के खिलाफ बलवा सहित मारपीट की धाराओं में क्रॉस केस दर्ज किया है। पुलिस ने एक पक्ष की फरियादी भगवान सिंह यादव की रिपोर्ट पर 21 लोगों के खिलाफ, जबकि दूसरे पक्ष के फरियादी ब्रजमोहन यादव के रिपोर्ट पर 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।